आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर में, कार्डिगन में, दोनों चीजों में डाल सकते हैं। बॉयज के कार्डिगन में देखिए डालिए इसे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा देखिए ये डिजाइन है, और बनाने में ये बिल्कुल इजी है। देखिए 10-10 के मल्टीपल से हमने फंदे डालने हैं इसके लिए, इस पैटर्न के लिए। बहुत सुंदर पैटर्न है ये, और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। पहले 10 फंदे, फिर 10, फिर 10, फिर 10, आखिर में जाकर 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं, तो पैटर्न आपका इक्वली सेट हो जाएगा। और टोटल ये 1 to 10 रो का पैटर्न है हमारा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सिलाई में 23 फंदे डाले हैं, 23 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो सीधी तरफ से स्टार्ट होगी, तो पहले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे सीधे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। अब उल्टी तरफ से देखिए, हमारी पूरी रो उल्टी आएगी। इस पैटर्न में उल्टी तरफ से जितनी भी रो डलेंगी, सारी ऐसे धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए उल्टी उल्टी आएगी। सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद ये सीधी तरफ से थर्ड रो है। देखिए पहले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब धागा दूसरी तरफ करना है, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसी पैटर्न को रिपीट करते हैं फिर से आगे, 3 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करते हुए 3 फंदे उल्टे ऐसे। ये पूरी रो आपने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करनी है, और फोर्थ रो उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है ऐसे। फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ रो सीधी तरफ से देखिए, पहले 3 फंदे हमने उल्टे ही बना लेने हैं। अब धागा हमने अपनी तरफ रखना है, क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है, ये 1 और ये 2, 2 फंदे हमने सीधे बनाए। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब ये 1, 2, 3, तीनों फंदों को देखिए एक साथ उल्टे की तरफ से देखिए उल्टा बनाते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे उल्टे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे पहले उल्टे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए सीधा फंदा बनाया, तो देखिए ये सिलाई पर बल आ गया, यही हमारी जाली बन जाती है। तो ये जाली डाली हमने, देखिए 2 फंदे सीधे हैं, यहाँ पर 3 का 1 किया उल्टा बनाते हुए, फिर से 2 फंदे सीधे बनाए, यहाँ पर जाली डाली और 3 फंदे उल्टे बना लिए। और फिर से धागा अपनी तरफ रखते हुए हमने देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डल गई, 2 फंदे हो गए ये सीधे। देखिए जाली डालने के बाद, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर करेंगे 3 का 1 उल्टा बनाते हुए। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे हम सीधे बना देंगे, धागा अपनी तरफ सिलाई पर ऐसे घुमाएंगे उल्टे की तरफ से, क्योंकि ये फंदा हमने उल्टे बनाने हैं ऐसे। अब उल्टी तरफ से छठी रो हमारी, पूरी 6th रो उल्टी ही डलेगी ऐसे। अब देखिए 7th रो सीधी तरफ से, 1 2
तीन फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए ये जाली वाला फंदा है जिसे हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से हमने ये तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं। धागा दूसरी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। धागा दूसरी तरफ ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा जिसे सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई। धागा फिर से अपनी तरफ से यहाँ पर तीन का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए। धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे हम उल्टे बना देंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी उल्टी डाल देंगे। देखिए 9th रो सीधी तरफ से पहले तीन फंदे हमने ये एक दो तीन, तीन फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए ये एक ये दो, दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और यहाँ पर कर देंगे तीन का एक। ऐसे तीन फंदों का एक करने के बाद देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए धागा अपनी तरफ था, जाली डल गई। फिर से एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, ये तीन फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करते हुए दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे और यहाँ पर कर देंगे तीन का एक। तीन का एक करने के बाद धागा हमने अपनी तरफ ही रखना है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई। फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, और उल्टे की तरफ से हमने देखिए पूरी रो ये उल्टी उल्टी बना लेनी है। 10th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इन्हीं 10 लाइनों को हमने दोहराते जाना है। अब इसके बाद देखिए तीन फंदे उल्टे 7 सीधे, तीन उल्टे 7 सीधे, ऐसे ही बना लेनी है। आगे आगे रिपीट करते जाएंगे ना आप, तो ऐसा ही ब्यूटीफुल डिजाइन आपका बनता जाएगा। डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।